बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है, अल्लाह के फजल लाखों का सेक्रेटरी और सेक्शन कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक बड़ा वखरा किस्म का है, वो ये है सेक्स को नफ्स की गुलामी से आज़ाद करो, आज़ाद करो, आज़ाद करो, हमको आज़ादी चाहिए। हमारे सेक्स को आज़ादी चाहिए नफ्स की गुलामी से, ये कैसे मुमकिन है? तो ये हम जानते हैं कि हमारा सेक्स जो है ये हमारी नफ्स की गुलामी में है। हम जो सेक्स करते हैं हम किसके लिए करते हैं? अपने नफ्स के लिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब तक हमारा नफ्स रिस्पॉन्ड नहीं करता हमें लगता है कि हमारा सेक्स नहीं हुआ। यानी कि अगर आपका नफ्स जो है वो कोऑपरेट करने से, काम करने से मुनकर हो जाए, इनकारी हो जाए, जिद पकड़ ले, तो आप कहते हैं ओ मर गए, ओ साडा ते पट्ठा ही बह गया, ओ ते साडी इज्जत ही लुट गई, ठीक है। क्यों? औरत जो है वो कहेगी इसका तो स्टैंड ही नहीं हो रहा, ये तो वैसे ही न मर्द है। तो इसका मतलब है कि जो आपका सेक्स है वो सारा नफ्स के ऊपर बेस्ड है और आपने बना लिया है। जहाँ तक कि मैंने लोगों में देखा, मेरे पेशेंट्स हैं, तो वो कहते हैं कि अगर उनका हार्डनेस ना हो तो वो लड़की को छूते तक नहीं। तो कहते हैं जनाब वो कोई स्टैंड होगा, हमें बताएगा कि स्टैंड हो रहा तभी हम छुएंगे, छुएंगे तो फिर हमें इंटरकोर्स करना पड़ेगा, इंटरकोर्स ना हो गए तो बेहतर है कि फिर खिड़की से छलांग मार के मर जाएं। तो बात यह है कि इसका मतलब है कि अगर नफ्स जो इनकारी है तो सेक्स नहीं हो सकता क्या? नहीं, यही सबसे बड़ा मसला है। अगर हम अपने सेक्स को नफ्स की गुलामी से आज़ाद कर लें तो आपकी इंजॉयमेंट के कई रास्ते और खुल जाते हैं, क्योंकि सेक्स जो है वो खाली इंटरकोर्स का नाम नहीं है। इसमें तो आप जब मैसेज कर रहे हैं कि आज आई लव यू एंड वी गोइंग टू हैव ए प्रोग्राम, ठीक है, आप इकट्ठा खाना खा रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं, सैर कर रहे हैं, फिर इकट्ठे बैठ के कोई वीडियो देख रहे हैं, ये सब सेक्स के हिस्से हैं। फिर आप फोर प्ले पे स्टार्ट करते हैं, फोर प्ले के आपको पता है कि टचिंग है, सब कुछ है, ब्रेस्ट है, ओरल सेक्स है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप सारी बातें इस बात पे लगा लेंगे नहीं जब तक नफ्स जो है उसको ऑर्डर नहीं आएगा तो मैंने कुछ भी नहीं करना है, तो इसका मतलब है कि आपने 95% सेक्स का पार्ट जो है जिसको आपने उसको स्टैंड किए बगैर भी इंजॉय कर सकते थे आपने अपने आप पे हराम कर लिया। तो इसका मतलब है कि बीवी जो है, और औरत की साइकोलॉजी बड़ी लोगों को शायद मैंने बड़ी दफ़ा बताया है कि उसके लिए पेनिट्रेटिव सेक्स आखिरी चीज़ है जो वो मांग रही होती है। वो तो लव मेकिंग मांग रही होती है, वो तो क्लाइटोरियस स्टिमुलेशन मांग रही होती है, ओरल सेक्स मांग रही है, टचिंग मांग रही होती है, मसाज मांग रही होती है। तो वो आप उसको दे सकते हैं सब कुछ विदाउट हैविंग इंटरकोर्स, विदाउट इरेक्शन। तो लेकिन आपने गुलामी पकड़ी है कि जनाब हजूर जब तक वो इशारा नहीं देंगे उसके लिए व्याग्रा खा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, सारा दिन भाँ भाँ कर रहे हैं कि जनाब ये खड़ा हो जाए तो कुछ होगा वरना कुछ नहीं होगा। आप इसको छोड़ दें, आप बाकी का सेक्स इंजॉय करें। तो जब आप बाकी का सेक्स इंजॉय करेंगे तो आपको बताऊँ कि जिसकी गुलामी आप कर रहे थे ना नफ्स की, ये खुद आपका गुलाम बन जाएगा। कैसी अजीब बात नहीं है? कैसे? आप उसको लिफ्ट नहीं करा रहे और आप इंजॉय कर रहे हैं सेक्स को बाकी को, तो ये खुद ब खुद स्टैंड होगा। आई मीन अगर साइकोजेनिक इरेक्टाइल फंक्शन है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एकदम जगह के रिएक्शन पे आ जाएगा कि जब, लेकिन जब आप कहेंगे जनाब साहब मैं आपको देख रहा हूँ आप स्टैंड होंगे, बादशाह सलामत कुछ इशारा करेंगे तो मैं कुछ करूँगा, तो बादशाह सलामत जो ना वो कहते पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, वो कहते ना जी ना मैं नहीं खड़ा होता, जाओ भाग जाओ। तो बस आपका जो है वो तो फिर ज़िंदगी जो है वो अजीर्ण हो गई, यानी कि वो कांटों पे चलने शुरू हो गए, सहरा में कांटे ही कांटे और आप नंगे पहुँच जा रहे हैं, बस ये हाल होते तो बंदे का। लेकिन आप उसको अपनी सेक्स को नफ्स की गुलामी से आज़ाद कर लेंगे तो खुशियाँ आपके घर आ जाएंगी।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, तो क्या हर्ज है कि अगर आप ये लोगों में भी शेयर कर दें, टेलीगॉन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बर की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।